से जुड़े रहने के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और 24 घंटे सपोर्ट पाने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास एनसीईआरटी का अध्याय 4 कार्बन व उसके यौगिक पार्ट 1। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन वह उसके व्युत्पन्न यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कार्बन में हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन वह हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वह उसके व्युत्पन्न यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध क्या होता है? दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जैसे देखते हैं ये हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन परमाणु है, दोनों हाइड्रोजन परमाणु क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? दोनों अपने मध्य में रखते हैं और साझेदारी करते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? दोनों का समान हक होता है दोनों परमाणु का। तो और ये दोनों दोनों परमाणु कहते हैं दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ समान फोर्स यानी समान बल से आकर्षित करते हैं, जिसके कारण इन दोनों के मध्य एक बंध बंध बन जाता है। इसे ही अपन क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जैसे H2 में ये क्या होता है? इस प्रकार दर्शाते हैं, ऐसे डैश के द्वारा इसे HH और बीच में डैश, डैश के द्वारा क्या है? ये सहसंयोजी आबंध को दर्शाते हैं। ओके दोस्तों, इसी प्रकार हम देखते हैं जो CH4 यानी मैथेन। मैथेन के अंदर क्या होता है? ये कार्बन है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन आ रखे हैं जो स्टार के द्वारा दर्शाए गए हैं, और ये बिंदु के द्वारा दर्शाए गए हैं वो क्या है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार ये 4 इलेक्ट्रॉन युग्म बन गए और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सहसंयोजी आबंध का निर्माण हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार सहसंयोजी आबंध अपन दर्शाते हैं 1 2 3 4। तो हम ये भी ध्यान रखना कार्बन जो होता है हमेशा 4 बॉन्ड यानी 4 बंध बनाता है। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट हम लेंगे अब कार्बन के अपरूप। तो कार्बन के अपरूप में हम देखते हैं पहले हीरा। कार्बन के अपरूप में होता है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। तो कार्बन के अपरूप में हम सबसे पहले देखते हैं हीरा। ज्यामिति इसकी चतुष्फलकीय होती है, प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ है, विद्युत का कुचालक होता है, बड़ी बड़ी चट्टानों को काटने में इसका उपयोग होता है। ओके दोस्तों, जो बड़ी बड़ी चट्टान होती है उसको काटने उनको काटने में क्या होता है? हीरे का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट संरचना परती होती है, प्रत्येक परत में कार्बन परमाणु षटकोणीय वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं, यह विद्युत का चालक होता है। जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है? विद्युत का चालक होता है। और जो पेंसिल की जो निब होती है उसमें उसको बनाने में क्या होता है? ग्रेफाइट का यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ग्रेफाइट मुलायम व चिकना होता है, इसका उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में होता है। नेक्स्ट आ जाएगा फुलरीन, इसमें 60 से 70 कार्बन परमाणु होते हैं, फुलरीन कार्बन का शुद्धतम रूप है, इसकी संरचना पिंजरानुमा होती है, इसे बकी बॉल भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट लक्षणों चतुसंयोजकता यानी 4 संयोजकता और संकलन से बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है। जो कार्बन होता है उसका उसमें क्या होता है? जो उसकी संयोजकता होती है वो 4 होती है, यानी वो 4 बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। और वो क्या करता है? जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है, जिसके कारण क्या होता है? बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन संख्या और नाम। अगर कार्बन 1 होता है तो उसे मैथ कहते हैं, कार्बन 2 होता है तो उसे एथ कहते हैं, 3 होता है उसे प्रोप कहते हैं, 4 होता है ब्यूट कहते हैं, 5 होता है पेंट कहते हैं, 6 होता है तो हेक्स कहते हैं, 7 होता है तो उसे हेप्ट कहते हैं, 8 होता है तो उसे ऑक्ट कहते हैं, 9 होता है नॉन कहते हैं, 10 होता है तो उसे डैक कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एकल आबंध वाले, एकल आबंध या एल्किन। तो एल्किन का जो अनुलग्न क्या होता है? एन। अनुलग्न मतलब होता है जो पीछे जुड़े, यानी जो यौगिक के पीछे जुड़ता है उसे अपन कहते हैं अनुलग्न कहते हैं। तो इसका जो एल्केन का जो अनुलग्न क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। जैसे उदाहरण में देखते हैं हम, जैसे 1 2 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या क्या कहते हैं दोस्तों? एथ, एथ कहते हैं। तो इसमें क्या है? कार्बन कार्बन के मध्य बंध कौन सा है? एकल बंध है। एकल बंध होने के कारण तो क्या हो जाएगा? एथ प्लस एन क्या हो जाएगा? एथेन। उसी प्रकार 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोप। और कार्बन कार्बन के मध्य बंध कौन सा है? एकल बंध, एकल आबंध है, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रोपेन। ओके दोस्तों, इसी प्रकार ये ब्यूटेन का निर्माण हो गया। तो दोस्तों, जो कार्बन की संयुक्तता यानी जो ये 4 बंध बनाता है, तो 1 बंध तो इसने क्या किया? इसके कार्बन के द्वारा बना लिया, और बकाया जो 3 बंध होते हैं वो हाइड्रोजन के द्वारा बना लेता है। ओके दोस्तों, तो कार्बन हमेशा क्या होता है? 4 आबंध बनाता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं द्विआबंध। द्विआबंध में हम देखते हैं एल्कीन। एल्कीन का जो अनुलग्न होता है वो कहते हैं ईन होता है, ईन। ओके ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देखते हैं ईन होता है, तो यहाँ पे दो कार्बन परमाणु को अपन क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। और इसमें अनुलग्न क्या है? इन, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, तो इसमें अनुलग्न कौन सा यूज करेंगे? इन, इन यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एथीन। उसी प्रकार क्या हो जाएगा? प्रोपीन। उसी प्रकार क्या हो जाएगा? ब्यूटीन।
यानी इसमें ब्यूट होता है तो इसमें अनुलग्न इन लग जाएगा तो याद रखा ब्यूटी ब्यूटी। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार देखते हैं त्रियाबंध, त्रियाबंध में देखते हैं आइन, तो त्रियाबंध में होती है एल्काइन, एल्काइन का जो अनुलग्न होता है वो कहते हैं आइन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देखते हैं जो दो कार्बन है, दो कार्बन को हम क्या कहते हैं एथ, तो एथ है, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य बंध कौन सा है, तीसरा बंध है यानी त्रियाबंध है। तो त्रियाबंध होने के कारण त्रियाबंध तो इसने कार्बन कार्बन के मध्य बना लिया और एक हाइड्रोजन इसलिए लगाया क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन से और बॉन्ड बना लेगा जिसके कारण कार्बन की जो बंध कितने हो जाएंगे चार, तो कार्बन हमेशा क्या होता है चार बंध बनाता है। ओके दोस्तों, ओके फ्रेंड्स, तो दो कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन को हम क्या कहते हैं एथ और इसमें त्रियाबंध लगा तो इसे अनुलग्न क्या हो जाएगा आइन, तो एथ प्लस आइन क्या हो जाएगा एथाइन। उसी प्रकार हम देखते हैं प्रोपाइन, प्रोप प्लस आइन, इसमें तीन कार्बन है तो प्रोप प्लस आइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्रोपाइन। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह में हम देखते हैं हेलोजन, तो हेलोजन हो जाएगा, हेलोजन में हम देखते हैं हेलोजन का जो संकेत क्या होता है एक्स होता है, ये बैलेंसी फ्री एक्स। ओके फ्रेंड्स, तो हेलोजन को हम क्या कहते हैं पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं, पूर्व लग्न मतलब एक यौगिक से पहले लिखते हैं, यानी इसमें हेलोजन के अंदर कौन सा है क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो। ओके फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे मैं दो लिख रखे हैं क्लोरो ब्रोमो लिख रखे हैं, बकाया इसमें फ्लोरो भी होता है आयोडी भी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम देखते हैं दो कार्बन है, दो कार्बन के मध्य एकल एकलाबंध है, तो एकलाबंध होने के कारण दो कार्बन है तो इसे हम क्या कहेंगे एथेन, एथेन और इसमें लगा सीएल लगा हुआ है तो इसे हम क्या कहेंगे क्लोरो एथेन, क्योंकि जो सीएल है उसे हम क्या पूर्व लग्न के रूप में यूज करेंगे, तो दो कार्बन के लिए एथेन हो गया और ये क्या हो जाएगा और पूर्व लग्न के जो क्लोरो एथेन। उसी प्रकार एक दो तीन चार कार्बन है, चार कार्बन के लिए हमने ब्यूटेन लिख दिया और इसमें जो सीएल था वो क्या हो जाएगा क्लोरो ब्यूटेन। ओके फ्रेंड्स, एल्कोहल, एल्कोहल में क्या हो जाएगा बैलेंसी फ्री ओएच इसका संकेत है और अनुलग्न क्या हो जाएगा अनुलग्न जो पीछे लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें जो ऑल हो जाएगा इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा ऑल हो जाएगा, जैसे हम दो कार्बन को हम क्या कहते हैं एथ कहते हैं, लेकिन इसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या है एकलाबंध है, एकलाबंध होने के कारण ये क्या हो जाएगा एथेन हो जाएगा, दो कार्बन को हम अब क्या कहेंगे एथेन, एथेन कहेंगे और इसमें ओएच समूह लगाया तो इसे एथेन प्लस ऑल क्या हो जाएगा एथेन। उसी प्रकार हम देख तीन कार्बन को हम क्या कहेंगे कार्बन कार्बन के मध्य एकलाबंध, एकलाबंध होने के कारण कार्बन तीन कार्बन को हम कहेंगे प्रोपेन, प्रोपेन प्लस ऑल क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को हम सी एच ओ या फिर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच इसके द्वारा दर्शाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसे दो तरह से दर्शा सकते हैं, अनुलग्न इसका जो है एल हो जाएगा, एल अनुलग्न हो जाएगा, तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ इसमें कार्बन कितने हैं तीन, तीन कार्बन को हम कहेंगे प्रोपेन, तीन कार्बन को हम कहेंगे प्रोपेन, अनुलग्न क्या हो जाएगा एल है तो प्रोपेनल। इसी प्रकार एक दो तीन चार पांच कार्बन है, पांच कार्बन हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे पेंटेन, तो इसमें समूह कौन सा हो जाएगा जो क्रियात्मक समूह है सी एच ओ, सी एच ओ समूह को हम क्या कहते हैं एल, अनुलग्न कौन सा यूज करते हैं एल, तो पेंटेन प्लस एल क्या हो जाएगा पेंटेन एल। इसी प्रकार क्या हो जाएगा हेक्सेन एल, इसी प्रकार सेप्टेन एल, हेप्टेन एल। ओके फ्रेंड्स, अब आता है कीटोन, कीटोन में जो कीटोन का जो संकेत क्या होता है सी डबल बॉन्ड दो बैलेंसी फ्री हो जाएगी और सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, तो ये इसका संकेत है। अनुलग्न इसका हो जाएगा ऑन हो जाएगा, तो सी एस थ्री सी ए डबल बॉन्ड ओ तीन कार्बन को हम कहेंगे क्योंकि तीन कार्बन कार्बन के मध्य क्या है सिंगल बॉन्ड, सिंगल आबंध है तो इसलिए एल्केन का यूज करेंगे, तो सी एस थ्री कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड करते हैं सिंगल, तो इसको तीन कार्बन को हम कहेंगे प्रोपेन और इसमें जो अनुलग्न क्या कौन सा लग जाएंगे अब ऑन, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेन ऑन। उसी प्रकार चार कार्बन को हम क्या कहेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन प्लस ऑन क्या हो जाएगा ब्यूटेन ऑन। ओके फ्रेंड्स, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए हम माइनस बैलेंसी फ्री सी ओ एच या फिर इसे बैलेंसी फ्री सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच। ओके फ्रेंड्स, अनुलग्न इसका हो जाएगा ऑइक एसिड, तो तीन कार्बन को हम क्या कहेंगे प्रोपेन, प्रोपेन कहेंगे तीन कार्बन को, तो तीन कार्बन को प्रोपेन कहेंगे, समूह कौन सा लगा हुआ है सी ओ एच, तो इसका लिए अनुलग्न कौन सा है ऑइक एसिड, तो प्रोपेन प्लस ऑइक एसिड क्या हो जाएगा प्रोपेनॉइक एसिड। इसी प्रकार एक दो तीन चार कार्बन है, चार कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं ब्यूटेन, तो इसमें अनुलग्न कौन सा लगेगा ऑइक एसिड, तो ब्यूटेनॉइक एसिड। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा क्रियात्मक समूह का नामकरण, तो इस प्रकार आप किसी भी समूह का नामकरण कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आता है साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन की संरचना, तो साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन की संरचना में आप देख लीजिए, तो साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन की संरचना, तो जो साइक्लोहेक्सेन है जो साइक्लोहेक्सेन की संरचना दे रही है इसमें कितने छह कोने दे रखे हैं, एक दो तीन, जितने भी कोने दे रखे हैं वहां पे क्या कार्बन है, मैंने यहाँ पे दर्शाया नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जितने भी कोने दे रखे हैं इसमें छह कोने हैं, तो छह कोनों पर क्या है इसमें कार्बन है और ये कार्बन क्या है चार आबंध बना रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये कार्बन मानते हैं, तो यहाँ पे एक आबंध इधर जा रहा है, एक ये और दो ये हाइड्रोजन से, तो इसकी क्या हो गई इस कार्बन की कितने हो गए चार आबंध हो गए, इसी प्रकार प्रत्येक कार्बन ने चार आबंध बना रखे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगी साइक्लोहेक्सेन की संरचना।
तो इसका जो संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, C6H12। ओके फ्रेंड्स, अब बताएं बेंजीन, तो बेंजीन की ये संरचना दे रखी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कोने जितने भी दे रखे हैं, यहाँ पे छह कोने, छह कोनों पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन में यहाँ पे क्या है, चार चार आबंध, प्रत्येक कार्बन में इसमें चार चार आबंध बना रखे हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसका संरचना सूत्र क्या होता है, यहाँ पे मैंने गलत लिख रखा है, उसके लिए सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पे इसका संरचना सूत्र होगा C6H6। ओके फ्रेंड्स, तो बेंजीन का संरचना सूत्र मैंने यहाँ पे गलत है, तो इसका सूत्र होगा C6H6। ओके फ्रेंड्स, C6H6। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब संतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो नेक्स्ट हम आते हैं संतृप्त कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विआबंध व त्रिआबंध नहीं होते, उन्हें संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उदाहरण एल्केन, तो एल्केन में आपने देखा था उसमें ना तो द्विआबंध होता है और ना ही त्रिआबंध होता है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विआबंध व त्रिआबंध नहीं होते, उन्हें संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, कार्बन कार्बन के मध्य, ये ध्यान रखना दोस्तों, कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध अथवा त्रिआबंध नहीं होते, उन्हें संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उदाहरण एल्केन। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट लेते हैं हम असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विआबंध व त्रिआबंध होते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होते हैं, द्विआबंध व त्रिआबंध होते हैं, उन्हें असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उदाहरण एल्किन, एल्किन में आपने देखा था द्विआबंध था कार्बन कार्बन के मध्य, एल्काइन में देखा था आपने कार्बन कार्बन के मध्य त्रिआबंध था। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यदि आपको किसी टॉपिक पर अगर अगर वीडियो ट्यूटोरियल बनवाना है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।